हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को कुंभकर्ण के बारे में कुछ जानकारियाँ दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो कुंभकर्ण को वरदान देने से पहले चिंतित थे, क्योंकि रावण को मनचाहा वरदान देने के बाद ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी की चिंता का कारण ये था, यदि कुंभकर्ण हर रोज पेट भर भोजन करेगा तो जल्दी ही पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। इस कारण ब्रह्मा जी ने सरस्वती के द्वारा कुंभकर्ण की बुद्धि भ्रमित कर दी थी। कुंभकर्ण ने मति भ्रम के कारण 6 महीने तक सोते रहने का वरदान मांग लिया। कुंभकर्ण बलवान था, इससे टक्कर लेने वाला कोई योद्धा पूरे जगत में नहीं था। वह मदिरा पीकर 6 महीने तक सोया करता था। जब कुंभकर्ण जागता था तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाता था। रावण द्वारा सीता हरण के बाद श्रीराम वानर सहित लंका पहुंच गए थे। श्रीराम और रावण दोनों की सेनाओं के बीच घमासान युद्ध होने लगा था। उस समय कुंभकर्ण सो रहा था। जब रावण के कई महारथी मारे जा चुके थे, तब कुंभकर्ण को जगाने का आदेश दिया गया। कई प्रकार के उपायों के बाद जब कुंभकर्ण जागा और उसे मालूम हुआ कि रावण ने सीता का हरण किया है, तो उसे बहुत दुख हुआ। कुंभकर्ण दुखी होकर रावण से बोला, अरे मूर्ख, तूने जगत जननी का हरण किया है और तू अपना कल्याण चाहता है। इसके बाद कुंभकर्ण ने रावण को कई प्रकार से समझाया कि श्रीराम से क्षमा याचना कर ले और सीता को शाकुशल लौटा दे, ताकि राक्षस कुल का नाश होने से बच जाए। इतना समझाने के बाद भी रावण नहीं माना। कुंभकर्ण को पाप पुण्य और धर्म कर्म से कोई लेना देना नहीं था। वह तो हर 6 महीने में एक बार जगता था। उसका पूरा एक दिन भोजन करने में और सभी का कुशल मंगल जानने में व्यतीत हो जाता था। रावण के अधार्मिक कार्यों में उसका कोई सहयोग नहीं होता था। कुंभकर्ण राक्षस जरूर था, लेकिन अधर्म से दूर ही रहता था। इसी वजह से स्वयं देवर्षि नारद ने कुंभकर्ण को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया था। जब रावण युद्ध टालने की बातें नहीं माना तो कुंभकर्ण बड़े भाई का मान रखते हुए युद्ध के लिए तैयार हो गया था। कुंभकर्ण जानता था कि श्रीराम साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्हें युद्ध में पराजित कर पाना असंभव है। इसके बाद भी रावण का मान रखते हुए वह श्रीराम से युद्ध करने गया। श्रीराम चरित मानस के अनुसार कुंभकर्ण श्रीराम के द्वारा मुक्ति पाने के भाव मन में रखकर युद्ध करने गया था। उसके मन में श्रीराम के प्रति भक्ति थी। भगवान का तीर लगते ही कुंभकर्ण ने देह त्याग दिया और उसका जीवन सफल हो गया। तो ये थी कुंभकर्ण के बारे में कुछ बातें जो मैंने आपको बताई। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।